तो दोस्तों क्या यहाँ पे यार पीसी का प्लान बन रहा है, खरीदने वाले हो? देखो यार पीसी अपनी जगह पे बेस्ट है, पर आज के टाइम पे भाई कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही है। लाइक रिसेंटली मैंने देखा भाई MSI का एक ऐसा प्रोडक्ट जो शायद भाई जिस प्राइस में आता है ना उस प्राइस में पीसी भी वैसी चीजें प्रोवाइड नहीं करता। यकीनन आप ये विश्वास नहीं करोगे, एक ऐसा भाई MSI का प्रोडक्ट, आप इसे भाई कंसोल भी बोल सकते हो, पर कंसोल बोल के भाई इसकी ही बेइज्जती मेरे को लगेगी, क्योंकि भाई कंसोल में तो एक दो चीजें होती है ना, सब कुछ इसके अंदर मिलता है। ये देखो एक स्पेशली यार कंप्यूटर भी नहीं है और सेकेंडरी भाई कंसोल भी नहीं है, इसमें भाई आप एंड्रॉइड चला सकते हो, क्लाउड गेमिंग कर सकते हो, ये भी नहीं पीसी की गेम्स भी कर सकते हो, साथ में यार विंडोज भी चला सकते हो, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, मतलब एवरीथिंग। और जिस प्राइस में आता है, जिस स्पेक्स के साथ आता है, नॉर्मल पीसी पे वो चीज नहीं मिलती है। आज इस पे बात करते हैं। रिसेंटली भाई थोड़ा टाइम तो हो चुका है बिल्कुल MSI की तरफ से ये रिलीज हुआ था, आज थोड़ा इस पे लुकआउट करते हैं। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। अब सबसे पहले तो यार MSI के प्रोडक्ट तो आप लोग जानते ही हो, यूज जरूर आपने यार डे टू डे लाइफ में किया होगा। इनके ग्राफिक कार्ड आते हैं, मदरबोर्ड आते हैं, सब A to Z बढ़िया, एकदम एक क्लास। रिसेंटली भाई इन्होंने अपना ट्रेंट एस नाम का एक यार कंसोल टाइप का पीसी ही रिलीज करा है, पर उसके अंदर प्री बिल्टेड, मतलब यार प्री इंस्टॉल आपको सब कुछ मिल जाता है। लाइक एंड्रॉइड भी आप चला सकते हो, कंसोल वाली गेम्स भी हो जाएगी, क्लाउड गेमिंग भी कर सकते हो, पीसी भी चला सकते हो, जिससे भाई ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज। और जिस प्राइस में आता है जैसा मैं बता रहा था उसमें स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी मिलती है। एट द एंड मैं यही बोलूंगा भाई पीसी अपनी जगह पे अच्छा है अभी भी यार, पीसी का कोई यार कंपटीशन देखते हो ना ऐसा खतरनाक नहीं हो पाता है, पर हाँ इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो एक बार चेक करने में क्या जा रहा है। तो इन्होंने करा कैसे ये सब कुछ इंतजाम? सबसे पहले तो भाई इन्होंने जो कंसोल टाइप का अपना बनाया ना पीसी, उसके अंदर यार MSI ऐप प्लेयर को यूज करा है फॉर एंड्रॉइड, और आप मानोगे नहीं जो यार इसकी ऑप्टिमाइजेशन आपको पीसी में मिलती है उससे कहीं गुना अच्छी यार इसके अंदर, क्योंकि यार बेटर ऑप्टिमाइज हो जाता है ना एक ही कंपनी की दो दो चीजें आगे। तो हाँ इसके अंदर जो MSI ऐप प्लेयर है वो अलग ही लेवल का है, उसमें सारी आप एंड्रॉइड की चीजें चला सकते हो, सेकेंडरी Xbox की सारी फैसिलिटी मिल जाती है जिससे आप क्लाउड गेमिंग भी कर सकते हो, साथ में नॉर्मल गेम्स आपको पीसी वाली मिल जाएगी, स्ट्रीम का भी सपोर्ट मिलता है, अदर एप्लीकेशन भी इवन आप इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज 11 मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीजें। पर सबसे अच्छी चीज मुझे जो ये लगी ना इसके अंदर भाई आपको तीन अलग मोड मिलते हैं। हाँ ये जी प्रोसेसर के साथ आता है, Ryzen की जो जी सीरीज है ना जिसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलते हैं। लाइक इसमें जो आपको मैं बेसिक वाला मॉडल बताऊं उसमें Ryzen 5 5600G मिलता है। अब ये प्रोसेसर भाई खुद में ही आप विश्वास करो तो भाई 17 से 18 हज़ार का लोकल मार्केट में अगर बताऊं तो ये प्रोसेसर आपको आज के टाइम पे मिल जाएगा। और ये कंसोल पीसी कितने का? यस यार बिल्कुल 40,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, इवन ऑफलाइन स्टोर में और थोड़ा सस्ता आप जा सकते हो। तो हाँ इस प्राइस में जो चीज ये प्रोवाइड करता है लाइक NVMe SSD हो गई, फिर आपको यार ये जो प्रोसेसर मिल रहा है इसके अंदर, तो इन सबसे भाई कंप्लीट बहुत तगड़ा पैकेज बनता है। थोड़ा सा मैं आपको यार ऑन स्क्रीन लेके चलता हूँ, इसके और चीजें दिखाता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप कंसीडर भी कर सकते हो। तो दोस्तों हियर वी गो, यहाँ सबसे पहले तो देखो आया IN लिखा है, IN का मतलब आप जानते हो भाई इंडिया, तो बिल्कुल यार इंडिया में ये चीज आपको अवेलेबल है, इवन आप यार वेयर टू बाय में जाके यार कर सकते हो, लोकल स्टोर पे आपको विजिट करना पड़ेगा इंडिया में, आपको यार किस सेलेक्ट स्टेट करके फिर उस हिसाब से शॉप वॉप में जाके यार आप इसे परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे सीन क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो ये अपना प्रोडक्ट रहने वाला है। अब इसके अंदर देखो यार ये जो मेन चीज है, स्टीम मिलता है यार, MSI ऐप प्लेयर, इस पर डेडिकेटेड वीडियो आप आई बटन पे देख सकते हो, Xbox गेम पास, तो इवन यार सारा कुछ मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई ये चीजें पीसी पे नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, पर एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन यार इस पे ही आपको मिलेगी, क्योंकि MSI समझ रहे हो ना जुड़ जाता है। और थोड़ा अगर मैं यार नीचे जाता हूँ तो इसके बारे में आपको चीजें मिल जाएगी, कंट्रोलर भी मिलता है, तो अगर यार जिन किसी लोगों को यार एक्सपीरियंस करना होता है चीजें कंट्रोलर पे गेम्स बेसिकली, तो उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। एंड्रॉइड पीसी सारी गेम्स आप कंट्रोलर पे खेलोगे तो एक यार बेटर मजा आ जाता है, सिंपल गेमिंग लैन वो सब तो यार हाई स्पीड इंटरनेट ये है, फिर पोर्ट वोट आपको मिल ही जाएंगे। एट द एंड भाई बहुत सारी इसके अंदर चीजें मिलेगी। अच्छा मेन चीज मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, स्पेसिफिकेशन पे आते हैं तो यहाँ पे यार देखो बेसिक मॉडल जो मेरे को भी बहुत पसंद है वो है भाई Ryzen 5 5600G। मजादार क्या है इसके अंदर भाई 6 कोर का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो एक बहुत महंगा प्रोसेसर है इसके साथ यार मिल जाएगा, इवन आप चाहो तो इस पर भी जा सकते हो यार 8 कोर इसमें है। बाकी यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी भी मस्त है, 4 GHz के नियर बाय आप बोल सकते हो, और TDP भी कम है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो भाई और स्पेक्स आ जाते हैं। स्टोरेज में बहुत अच्छा काम किया है भाई, NVMe शायद इन्होंने यूज़ किया, SSDs जो भी है ठीक है ना, M.2 स्लॉट व्लॉट वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एक PC लेवल पे जितना कुछ आपको चाहिए वो तो मिल ही रहा है, बाकी यार बेटर ऑप्टिमाइजेशन गेमिंग वेमिंग अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो शायद आपके लिए ये बेस्ट रह सकता है सही में। और चीज़ें आपको सारा कुछ मिल जाता है, वो सबकी तो कोई दिक्कत नहीं है, MSI के प्रोडक्ट आपने खुद ही यूज़ कर रखे होंगे। तो ये है भाई ओवरऑल सीन। अब मेरे को बताओ यार आप कौन सा चूज़ करोगे, MSI का ये कंसोल या फिर PC? देखो प्राइस टू प्राइस डिपेंड करता है आप किस में डील कर रहे हो, पर हाँ 40 के आसपास में ये बढ़िया डील हो सकती है। बाकी चलो मैं इस पे यार बात करते हैं कैसा लगा जरूर कमेंट बताना। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।